नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अपनी आंख की काली पुतली पर एक ऐसी गांठ या एक ऐसा मांस नजर आ रहा है जो आपकी आंख में चुभन कर रहा हो, जिसकी वजह से आपकी आंख कभी कभी लाल हो जाती हो और आंख में जलन होती हो? तो संभव है आपको नाखूना है। नाखूना, जिसे कि हम लोग मेडिकल भाषा में टेरिजियम बोलते हैं, ये आंख की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि जो हमारा आंख का जो सफ़ेद हिस्सा होता है उस पर एक झिल्ली होती है जिसे हम लोग कंजंक्टाइवा बोलते हैं, और वो झिल्ली हमारे आंख की काली पुतली पर चढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो देखने में ख़राब लगती है। मरीज को आंख में कभी कभार गड़न हो सकती है, चुभन हो सकती है, और अगर ये झिल्ली हमारी पुतली पर बहुत ज़्यादा चढ़ गई है तो मरीज को देखने में भी परेशानी होती है, मरीज को चश्मे का नंबर आता है और इसकी वजह से मरीज को ढेरों परेशानियां होती हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा, नाखूना या टेरिजियम होता क्यों है, ये किन किन लोगों में ज्यादा होने की संभावना होती है, इसके इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या हम ऐसे उपाय करने चाहिए कि हम नाखूना को बढ़ने से रोक सकें और इसके लिए और इसका निजात पा सकें, पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि नाखूना होता क्यों है, दूसरी मैं बात करूंगी कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको नाखूना होने की संभावना ज्यादा होती है और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाखूना होता क्यों है। बढ़ती उम्र के साथ साथ जैसे हमारे सर के बाल सफेद होते हैं, हमारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हैं, वैसे ही कभी कभी हमारी आंख में नाखूना हो जाता है। हमारी आंख का जो सफेद हिस्सा होता है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है जिसे हम लोग कंजंक्टाइवा बोलते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ड्राई एरिया में रहते हैं, धूल में रहते हैं, धूप में रहते हैं, धुएं में रहते हैं, तो हमारी पुतली के कुछ हिस्से में खराबी आने लगती है। कुछ हिस्से का मेरा मतलब है जो लिम्बल स्टेम सेल्स होते हैं उनमें खराबी आने लगती है, और उसकी वजह से जो ये झिल्ली होती है वो हमारी पुतली पर चढ़ने लगती है। वैसे तो ये आंख में अंदर की तरफ भी हो सकती है और बाहर की तरफ भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर केसेस में ये हमारी आंख में अंदर की तरफ मतलब कि नाक की तरफ होती है। ये तिकोने आकार की होती है, या फिर आप इसको पंखे के आकार का भी कह सकते हैं, या फिर ये हमारा ट्राइंगुलर शेप्ड होती है। इसका जो बेस होता है, जो नाक की तरफ होता है, वो पतला होता है, और जो पुतली की तरफ का हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है। तो लगभग ये कुछ इस तरीके से हमारी पुतली पर चढ़ने लगती है। अब बात करते हैं नाखूना के लक्षण की। वैसे तो जो सबसे बड़ी समस्या लोगों को होती है कि वो देखने में थोड़ा खराब लगता है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी आंख में क्या हो गया है, ये मांस क्यों बढ़ रहा है। लेकिन कुछ कुछ लोगों में ये आंख में हमारी चुभन करती है, गड़न करती है, लोगों को ऐसा लगता है कि आंख में कोई फॉरेन बॉडी है, मतलब कि ये फॉरेन बॉडी सेंसेशन करती है। उसके अलावा अगर ये नाखूना कभी कभी लाल हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ये दर्द भी कर सकता है। अगर ये नाखूने का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है तो हमारी आंख में एस्टिगमेटिज्म होता है, मतलब कि मरीज को चश्मे का नंबर आता है। उसके अलावा अगर ये नाखूना बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो ये हमारे आंख के अगर देखने वाले हिस्से पर चढ़ जाता है, मतलब कि अगर ये हमारी प्यूपिल को कवर कर लेता है तो उसकी वजह से मरीज को देखने में भी परेशानी होती है। कुछ लोगों का एक सवाल होता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, तो अच्छी बात यह है कि नहीं, ये एक कैंसरस ग्रोथ नहीं होती है, ये एक बिल्कुल नॉन कैंसर या फिर बेनाइन ग्रोथ होती है। अब दूसरी बात ये कि किन लोगों को नाखूना होने की संभावना ज्यादा होती है। मोस्ट कॉमनली नाखूना आपको 30 से 50 साल की उम्र के लोगों के बीच में मिलता है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा धूल में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सूखे इलाके में रहते हैं, बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, उन लोगों में ये नाखूना होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कि राजस्थान जैसे हिस्से में हमारे देश के नाखूना होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, या जो हमारे किसान होते हैं और ऐसे लोग जो अपना बहुत सारा समय सूरज की तेज धूप में बिताते हैं, उन लोगों में नाखूना होने की संभावना ज्यादा होती है। सूरज की जो यूवी लाइट होती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, वो हमारे आंख के जो लिम्बल स्टेम सेल्स होते हैं उनको डैमेज करती है, और उस डैमेज की वजह से हमारे आंख में नाखूना जल्दी होता है, कम उम्र में होता है और जल्दी बढ़ता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके इलाज की। इसके इलाज के लिए सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि नाखूना किस तरीके का है, छोटा है, बड़ा है, क्या वो बढ़ रहा है या वो अपनी जगह पर स्टेशनरी है।
अगर नाखूना बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है, अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम मरीज को ऑपरेशन की सलाह नहीं देते हैं और हम मरीज को सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप पर रखते हैं। फॉलोअप पर रखने का मतलब ये होता है कि हम मरीज को 3 महीने पर या 6 महीने पर अपने पास बुलाते हैं और देखते हैं कि कहीं नाखूना बढ़ तो नहीं रहा है। अगर नाखूना बढ़ रहा होता है तो फिर हम मरीज को इसके ऑपरेशन की सलाह देते हैं। इसके अलावा हम मरीज को कुछ सावधानियां बरतने को बोलते हैं, जैसे कि अगर आप तेज धूप में जा रहे हैं तो आप काला चश्मा लगाकर जाइए। इसके अलावा आप कुछ ओवर द काउंटर अवेलेबल जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि अगर नाखूने की वजह से मरीज को एस्टिगमेटिज्म डेवलप हो रहा है, मतलब कि अगर मरीज को सिलेंडर का नंबर बन रहा है, तो आप मरीज को बोलते हैं कि उसके लिए वो चश्मे का इस्तेमाल करे। अगर नाखूने की वजह से मरीज को बहुत ज्यादा गड़न हो रही है, चुभन हो रही है, या फिर ये नाखूना लाल पड़ गया है, तो हम मरीज को लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स या फिर कुछ टॉपिकल जो स्टीरॉइड्स आई ड्रॉप्स होती हैं उनका इस्तेमाल करने को बोलते हैं। या फिर अगर मरीज के सिम्टम्स ज्यादा हैं, मरीज बहुत ज्यादा परेशान है, तो हम टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन आई ड्रॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर नाखूना इतना ज्यादा है कि वो आपकी काली पुतली पर चढ़ रहा है या फिर वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो फिर हम मरीज को सलाह देते हैं कि इसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। नाखूने का जो ऑपरेशन होता है वो कई तरीके से किया जाता है। इस ऑपरेशन में बेसिकली नाखूने वाले हिस्से को काट दिया जाता है, तो वहां पर एक डिफेक्ट या एक स्पेस बनती है और उसके बाद मरीज की खुद की जो अच्छी कंजंक्टिवा होती है, जो कि हम लोग ऊपर से लेते हैं, उसको वहां से काट के नाखूने के वाले जगह पर या तो हम ग्लू से चिपका देते हैं या टाकों की मदद से वहां पर उसको चिपका देते हैं, या फिर मरीज के खुद के ब्लड से, इसको कि हम लोग ऑटोलोगस ब्लड बोलते हैं, उसकी मदद से उस कंजंक्टिवा को उस जगह पर चिपका देते हैं ताकि वो जो डिफेक्ट है या जो गैप है वो भर जाए। नाखूने के ऑपरेशन के बाद मरीजों को सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे कि कम से कम आपको 2 हफ्ते तक काला चश्मा लगाना पड़ेगा, सर से नहाने के लिए मना किया जाता है, कुछ आई ड्रॉप्स का, कुछ खाने वाली दवाइयों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि क्योंकि आप कोई हिस्सा वहां पर ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, तो जरूरी है कि आप अपने आंख को रगड़े और मसले बिल्कुल भी ना, और अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। तो ये तो थी जानकारी नाखूने के बारे में, नाखूने के होने वाले कारणों के बारे में और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। अगर आपको आंख की बीमारी के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।